अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फारूक हुसैन एंड यू आर वॉचिंग एक्सप्लोर विद खान। क्या आप भी दुबई आना चाह रहे हैं? क्या आप भी किसी जॉब के पर्पज़ के लिए या किसी कारोबार के लिए या किसी से भी मिलने के लिए दुबई किसी भी पर्पज़ के लिए आना चाह रहे हैं? तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा जब आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से जब दुबई आते हैं तो किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। दुबई विज़िट करने से पहले एक बार ये ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत से लोग अपने मुल्कों से महंगाई की वजह से, अच्छे कमाने की वजह से दुबई मूव करते हैं। उनको अंदाज़ा नहीं होता कि जब दुबई पहुंचेंगे तो दुबई में महंगाई का क्या हाल है, दुबई में किस तरह के सेवा गुजारा जाएगा। तो उस हवाले से एक छोटी सी अपडेटेड वीडियो बनाई, इससे आपको अंदाज़ा हो कि आप दुबई आएँ तो कितना सरमाया लेके आएँ। और सरमाया तो खैर आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपको बेसिक्स पता चल जाएंगे, यहाँ पर कौन सी चीज़ कितने की मिलती है, क्या है और कितना खर्चा आएगा। तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि जिस महंगाई से आप आ रहे हैं बच के यहाँ पे कमाने के लिए, दुबई पर रहने वाले क्योंकि धर्म में कमा रहे होते तो उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब दूसरे मुल्कों से आ रहे होते तो अपनी करेंसी से कन्वर्ट करवा के लेके आ रहे होते धर्म, और जब यहाँ पे आके महंगाई देखते हैं तो लिटरली उनको पसीना आ जाता है। तो बिल्कुल इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि दुबई अगर आना है तो आपको कितनी तैयारी करके आनी है, कितना सरमाया लेके आना है। दुबई, हम अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में डेफिनेटली बहुत सारी यंग यूथ जो है बेसिकली दुबई की तरफ ट्रैवल कर रही है, बहुत सारे लोग परेशान हैं महंगाई की वजह से। लेकिन मेरे दोस्तों, जो पाकिस्तान में महंगाई है टेक्निकली वो महंगाई दुबई की महंगाई के सामने कुछ भी नहीं है। आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ कि एक रोटी जो हम पाकिस्तान में 25 या 30 रुपये की मिलती है, उस पर हम इतना हंगामा करते हैं कि यार बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, रोटी बहुत महंगी हो गई है। बिल्कुल, यहाँ पे एक रोटी एक धर्म मतलब पाकिस्तानी 85 रुपीज़ की मिलती है। तो इस चीज़ को आप जहन में रखें कि एक रोटी की कॉस्ट में इतना डिफरेंस है। जो यहाँ पे धर्म में कमा रहा होता है उसके लिए मसला नहीं था, लेकिन जब हम पाकिस्तान से जॉब ढूंढने या किसी भी मीटिंग पर्पज़ के लिए आते हैं तब हमें फ़र्क पता चलता है। एग्जाम्पल, दाल खाने जाते हैं वो 7 धर्म की मिलती है, जो आपको पाकिस्तानी कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे अगर आप कॉस्ट कैलकुलेट करें, पेट्रोल की कॉस्टिंग करते हैं तो वो तकरीबन मिलती जुलती ही कॉस्ट है आपकी, जो आपके पाकिस्तान में उससे शायद ही कुछ चंद रुपए कम यहाँ पे दुबई में होगी। उसके अलावा दवाएं, मेडिकल, यहाँ पे अगर आपको किसी किस्म की बीमारी होती है, किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो अपने साथ दवाएँ ज़रूर साथ रख के लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पर मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी है। एक एसिडिटी की मेडिसिन जो हम गैविस्कॉन पाकिस्तान में खाते हैं, मेरे ख्याल से 150 या 200 रुपये की पाकिस्तान में आ जाती है। यहाँ पे अगर पाकिस्तानी करेंसी से कैलकुलेट करें तो 1800-1900 रुपये की एक बॉटल है। राइसिक जो हम 20 mg मोस्टली पाकिस्तान से लेके खा लेते हैं जब हमारे एसिडिटी वगैरह होती है या जिगर प्रॉब्लम कर रहा होता है, यहाँ पर वही दवा तकरीबन 11 से 12 हज़ार रुपये का पैकेट है। तो मेडिसिन बहुत महंगी है, इसका जहन में रखें। ट्रैवलिंग आप करते हैं, ट्रैवलिंग यहाँ बहुत महंगी है, टैक्सी अफोर्ड करना इज़ नॉट दैट ईजी, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रही होती है। मेट्रो में भी करते हैं तो एक से आप एक स्टॉप पे चढ़ के दूसरे स्टॉप पर उतरते हैं, तकरीबन आपके 7 धर्म के तकरीबन खर्चा आता है आपका। 7 धर्म को आप कैलकुलेट कर सकते हैं पाकिस्तानी करेंसी के करंट रेट से कि कितना ज़्यादा खर्चा होता है। खाने का कर ले, मैंने रोटी का बताया, मैंने आपको मेडिसिन का बताया, इस तरह की बहुत सारी। आप रिहाइश पर आते हैं, मैं ख़ुद यहाँ पे एक पार्टीशन में रहता हूँ जिसके मैं 800, जो इस वक्त पूरे दुबई का मुझे एक ताल्लुकात की बेसिस पर मिला है, मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, 800 का मुझे पार्टीशन मिला है जो बहुत ही छोटा सा होता है, जिसमें एक इंसान बड़ी मुश्किल से सर्वाइव करता है। 800 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं पाकिस्तान के करंट रेट से, तकरीबन ये 80 हज़ार या कह लें आप 70-80 हज़ार के करीब पैसे पड़ जाते हैं। इतने पैसों में हम पाकिस्तान वगैरह में एक अच्छा घर, एक बेहतरीन घर, बेहतरीन एरिया में किराए पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे अकोमोडेशन इतनी महंगी है, तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। जिस महंगाई की वजह से हम यहाँ पे आते हैं, जब तक हम धर्म में कमाना शुरू नहीं करें, अब अपनी करेंसी को कन्वर्ट करके इस्तेमाल करें, यहाँ हमारे मुल्क से बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो आते हुए अकॉर्डिंगली प्लान करें क्या करना है, कितने पैसे रख के लेके आने, ताकि उस हिसाब से अपना आप पूरा ट्रिप प्लान कर सकें। इसके अलावा दुबई में क्या चल रहा है, क्या नई अपडेट्स हैं और क्या आने वाला है, क्या जाने वाला है, मैं आपसे कुछ दिनों में एक वीडियो शेयर करूंगा जो मैं 2 महीने का पूरा दुबई का एक्सपीरियंस लेके जा रहा हूं। जॉब ढूंढने वाले मेरे साथ मौजूद थे, उनको कैसा एक्सपीरियंस रहा, मैंने मार्केट एक्सप्लोर की बिज़नेस के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से, तो कैसा एक्सप्लोर रहा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए
और बेल आइकन पर जरूर टिक कीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिल सके। बहुत शुक्रिया।